Hello friends, welcome back. Today we will learn about tertiary activities. As we know that tertiary activities is a part of economic activities. Those activities which generate income are known as economic activities. And tertiary activities are known as service sector or service industry. Service sector, हम इसको क्यों कह रहे हैं? Because tertiary activities provide services to general population. So we says that service sector. And the activities associated by service sector is trade, transportation, entertainment, banking, insurance, healthcare, education, law. तो जो भी हमारे इन कैटेगरीज में जो वर्क्स आते हैं वो सभी किस में आते हैं? हमारे टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आते हैं. अब टर्शियरी एक्टिविटीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं. कैटेगरी वाइज डिवाइड करने के बाद हमें समझ आता है कि कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं जो उनमें पॉपुलेशन इंक्लूड हैं उस वर्क को करने में, वो कौन कौन सी कैटेगरीज में आती हैं. ओके, तो कैटेगरीज ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़. फर्स्ट हम इसमें आते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज या डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विस. डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज, जो कि उसके मतलब नेम से ही हमें समझ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वर्क करते हैं, जो पॉपुलेशन यानी कि मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वर्क करते हैं वो हमारे कौन करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज के पॉपुलेशन करती है, डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज करते हैं. मैन्युफैक्चरर जो कि गुड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, उनसे लेकर कस्टमर जो कि यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उन तक जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो वो सभी हमारे किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज में. फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैसे समझ सकते हैं? मैन्युफैक्चरर से जैसे होल सेल्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? उनसे प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं एक लार्ज अमाउंट में. उसके बाद वो रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में या स्मॉल अमाउंट में वो रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. आफ्टर दैट रिटेलर्स डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर. ओके, तो इससे हमें समझ आता है कि जो उनमें जो वर्क्स कर रहे हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज में आती है पॉपुलेशन. सेकेंड हमारा इसमें आता है पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज में कौन सी होती हैं? पर्सनल सर्विसेज में वही होती है जो पर्सनली एक जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर कस्टमर्स तक को जो पर्सनली प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे हेयर सैलून्स हो गए हमारे, एंटरटेनमेंट के लिए जो मूवीज थिएटर्स हो गए, फूड कंपनीज जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो हमारी सभी किस में आती है? पर्सनल सर्विसेज में. ओके, तो ये सभी हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कैटेगरी वाइज अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ में जो पॉपुलेशन इंक्लूड है हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ओके, और थर्ड पॉइंट पे हमारा इसमें आता है फाइनेंशियल सर्विसेज. फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या आती हैं? दोज सर्विसेज विच प्रोवाइडिंग कैपिटल. ओके, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? प्रोवाइड कैपिटल, जो किस किस को प्रोवाइड करते हैं हम इसमें बता सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड इंडिविजुअल कस्टमर्स को. जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको भी लोन जो देते हैं, या पर्सनली हम कोई भी इंडिविजुअल पर्सन पर्सनल लोन लेता है, तो वो सभी जो फाइनेंशियल देती हैं वो हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज की कैटेगरीज में आती हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम इसको कैसे समझ सकते हैं? जो हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स एंड द इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड कवरेज फॉर फाइनेंशियल लॉस, तो वो हमारी सभी किस में आती? फाइनेंशियल सर्विसेज में. फोर्थ पॉइंट पे हम इसमें लेते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में आती हैं. वो सभी के लिए करवाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? पब्लिक सर्विस.
पब्लिक सर्विसेज की कैटेगरी में भी हम इसको रख सकते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, टीचर्स, वो सभी हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में आते हैं। ओके, ये हमने बात की कैटेगरीज ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़ की। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, यानी कि हम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, कि टर्शियरी एक्टिविटीज के लोकेशन को जो अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से, वो कारक कौन कौन से हैं। ओके, तो इसमें हम फर्स्टली बात करेंगे ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि हम सभी जानते हैं ट्रांसपोर्ट किसी भी एक्टिविटीज या किसी भी सर्विस के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड हमें सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट डेवलप होगा उतना ही वो उसकी लोकेशन या टर्शियरी एक्टिविटीज़ की लोकेशन को भी अफेक्ट करेगा। सेकंड हम इसमें करते हैं टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन यानी कि हम जितना कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्शियरी एक्टिविटीज़ में क्या आती है, हमारी जो भी ट्रेड आता है, ट्रेड हम कर रहे हैं, होलसेल रिटेल ट्रेड्स कर रहे हैं, तो उसमें हम टेलीकम्युनिकेशन कैसे एक रोल प्ले करता है, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। एड्स जैसे आती हैं हमारी, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है, किसी भी प्रोडक्ट की एड्स आती है, फिर हम उसको कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है और वो उसको खरीदता है, तो वो सभी काम किससे होता है, टेलीकम्युनिकेशन से। तो टेलीकम्युनिकेशन जितना ज़्यादा डेवलप होगा, एक्टिविटीज़ यानी कि जो हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज़ हैं, सर्विस सेक्टर है, वो भी उतना ही ज़्यादा उसकी लोकेशंस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा इसमें आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन किसी एरिया में होती है उतना ही उस एक्टिविटीज़ को लोकेशन मिलती है, यानी कि एक मार्केट को अवेलेबिलिटीज मिलती हैं। मार्केट हम कब अवेलेबल करवाते हैं, कि पॉपुलेशन होगी, उनकी डिमांड ज़्यादा होंगी, तो फिर उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो मार्केट अवेलेबल करवाई जाएंगी, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी इसमें एक रोल प्ले करता है। फोर्थ पॉइंट हमारे इसमें आता है वायबिलिटी। वायबिलिटी के मीन्स होता है कि डिमांड, हाई लेवल पे तो डिमांड होती है और जो रेट होते हैं वो भी हमारे रीजनेबल रेट्स होते हैं। ओके, तो वायबल रीजंस होते हैं, तो वायबिलिटी भी इसमें एक रोल प्ले करती है। फिफ्थ पॉइंट्स में हम इसमें बात कर लेते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई कि पावर सप्लाई का मीन्स क्या है, कि वहाँ पे जो भी पावर्स की जिनकी नीड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हो गई, वो भी जो भी हमारी पावर्स की सप्लाई अगर अच्छे से है तो वहाँ पे किसी भी मार्केट के लोकेशन के लिए वो भी अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे किसको, टर्शियरी एक्टिविटीज़ की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़। टर्शियरी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स की, टर्शियरी एक्टिविटीज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारे इसमें आएगा ट्रेड, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ सर्विसेज। कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कि टर्शियरी एक्टिविटीज़ के टाइप्स कितने हो सकते हैं, फोर टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया। ट्रेड में कौन से आते हैं हमारे, कि जो भी ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज ट्रेड। ओके, एंड प्लेसेस वेयर ट्रेडिंग वर्क कैरिड ऑन इज नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। तो ट्रेडिंग सेंटर्स को हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में। ओके, फर्स्ट हमारा उसमें आता है ट्रेडिंग सेंटर्स, जिसमें फर्स्ट हमारा आते हैं रूरल मार्केट, सेकंड अर्बन मार्केट, एंड थर्ड पीरियोडिक मार्केट। ओके, बात करते हैं हम कि हमने सबसे पहले बात की थी
टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज को हमने फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर लिया कि जो ट्रेड का जो वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उसकी बाइंग एंड सेलिंग का जो वर्क कर रहे हैं वो हमारे ट्रेड में आ रहा है, कि ट्रेड में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो टर्शियरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि डिलीवरी कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जो उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सारा हमारे किस में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में। कम्युनिकेशन कि जो कम्युनिकेट करते हैं यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो प्रचार करते हैं या उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कम्युनिकेशन का वर्क होता है। सर्विसेज यानी कि सर्विसेज में हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारी पर्सनल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो सभी सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। तो ट्रेड को हमने किस में बताया, ट्रेडिंग सेंटर्स, कि ट्रेडिंग सेंटर्स जहाँ पे ट्रेड किया जा रहा है, कौन कौन से एरियाज में कर रहे हैं हम उसको रूरल मार्केट में डिवाइड करते हैं, अर्बन मार्केट और पीरियोडिक मार्केट। रूरल मार्केट जैसा नेम से ही प्रोवाइड मतलब हमें पता चल रहा है कि नेम से रूरल मार्केट इट्स नॉन वेल डेवलप्ड नहीं होता, कि जो अर्बन सॉरी जो रूरल सेटलमेंट है, नियर बाय जो सेटलमेंट है उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो मार्केट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं वो किस में आते हैं, हमारे रूरल मार्केट में। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है अर्बन मार्केट्स, जो कि अर्बन एरियाज में होती हैं, यानी कि अर्बन एरियाज में जो पॉपुलेशन की जो सेटलमेंट है उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए अर्बन मार्केट्स अवेलेबल होती हैं, ये डेवलप्ड होती हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें आता है पीरियोडिक मार्केट, ये भी उन एरियाज में की जाती है जहाँ पर रेगुलर मार्केट्स अवेलेबल नहीं हो पाती, जैसे रूरल एरियाज हैं या कोई भी हमारे जो जैसे हम बात कर रहे थे जहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं रेगुलर मार्केट्स की अवेलेबिलिटी जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे पीरियोडिक मार्केट्स यानी कि एक जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो मार्केट्स लगाए जाते हैं जिसको हम बोल देते हैं जो हमारे वीकली जो मार्केट्स होते हैं, बाई वीकली भी हो जाती हैं, ठीक है, इस टाइप के जो भी होते हैं वो हमारे पीरियोडिक मार्केट में आते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो सर्विसेज किसे कहते हैं हम, सर्विसेज लाइक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कौन कर रहा है, उस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम बोल देते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज की जब भी हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग सर्विसेज को भी हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ट्रेडिंग सर्विसेज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ट्रेड के बारे में ही बता रहे हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स भी जो ट्रेड के बारे में डिफाइन कर रहे हैं और ट्रेडिंग सर्विसेज भी ट्रेड की जो सर्विसेज की हम कैसे कैसे उनको सर्विसेज कैसे हैं, कि कोई भी प्रोडक्ट है जो एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो पहुंच रहा है उसके लिए सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल हो रही हैं। तो ट्रेडिंग सर्विसेज में फर्स्टली हमारी इसमें आती है होलसेल ट्रेडिंग्स एंड सेकेंड इसमें हमारे आती है रिटेल ट्रेडिंग्स, ठीक है, रिटेल ट्रेडिंग्स एंड होलसेल ट्रेडिंग्स। होलसेल ट्रेडिंग्स किसे कहते हैं, अब हम होलसेल ट्रेडिंग्स में क्या होते हैं कि बल्की बिजनेस होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मैन्युफैक्चरर से कोई भी कंपनी डायरेक्टली उस प्रोड्यूस को मतलब सॉरी जो प्रोडक्ट्स को ले रही है, ठीक है, बाय कर रही है, तो उसमें कौन सी होती है होलसेल होती है, इसमें एक लार्ज अमाउंट में वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है, उसके बाद में उसको जो हमारी जो हैवी मर्चेंट्स होते हैं यानी कि जो डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स होते हैं या चेन स्टोर्स होते हैं उनके बाद इनको रिटेलर्स को सेंड किया जाता है। तो इस टाइप की जो भी सर्विसेज हैं वो हमारी होलसेल में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं रिटेल ट्रेडिंग की, रिटेल ट्रेडिंग क्या होती है, इसका जो डायरेक्टली कनेक्शन होता है वो कंज्यूमर्स के साथ होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि होलसेल में जो डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो किसका होता है, मैन्युफैक्चरर टू जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स मीन्स यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट स्टोर्स अवेलेबल करवाने, इट्स नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो मैन्युफैक्चरर यानी कि जो भी कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्शन किसका होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का, वो सिर्फ हमारा किस में आता है होलसेल ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग सर्विसेज में। जो रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स में हम बता रहे हैं डिफरेंसेस वो किस किस में होता है, इसमें हमारा आता है फिक्स्ड स्टोर्स होते हैं या हम उसको बता सकते हैं स्टोर कीपर एंड कस्टमर,
ओके, फिक्स्ड स्टोर कीपर यानी कि जो भी स्टोर्स अवेलेबल हैं, फिक्स्ड जो स्टोर्स हैं और उनका कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, यो रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया जो हमने की थी टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़ में, ट्रेड जो पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे क्या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एंड कम्युनिकेशंस रहते हैं। ओके, तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।